हेलो दोस्तों, ये हमारे HTML लैंग्वेज का चैप्टर 2 है। इसमें हम HTML टैग्स और HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML टैग क्या होता है? क्या होता है HTML टैग्स? HTML टैग्स कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं, करेक्टर्स या स्ट्रिंग होते हैं, जिन्हें हम एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p, और HTML टैग हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारे वेब पेज में कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, HTML फाइल। मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे इसको। मैं इसका नाम रखता हूँ test.html। ओके, मैं HTML को ओपन स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसके अंदर मैं पैराग्राफ टैग ओपन करके इसके बीच में लिखता हूँ, हाय दिस इज मोबाइल एनकोडर। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ, ओपन करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं करता हूँ ओपन इन ब्राउज़र। अब आप देखेंगे ये हमारा वेब पेज इस तरह का दिखा। अगर मैं इसमें कोई बटन टैग ओपन करूँगा, जैसे बटन, क्लोज कर दिया बटन को, और इसके बीच में मैं कंटेंट लिखता हूँ सब्सक्राइब मोबाइल एनकोडर। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखिए बटन ऐसा दिखा। HTML टैग्स कितने प्रकार के होते हैं? HTML टैग्स दो प्रकार के होते हैं, पेयर टैग और अनपेयर टैग। जो पेयर टैग होते हैं उनमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, जबकि जो अनपेयर टैग होते हैं उनमें केवल स्टार्टिंग टैग ही होता है, उनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और इनको हम ऐसे क्लोज करते हैं, इनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स जो है स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो हमारे HTML टैग के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बॉडी में बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा और इसमें मैं कर दूँगा रेड। ओके, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। सॉरी, ब्राउज़र ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारी बॉडी का कलर चेंज हो गया। HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारे टैग्स के काम को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। जो हम HTML टैग से नहीं कर पाते, वो चीज़ें हम HTML एट्रीब्यूट्स में, एट्रीब्यूट्स की मदद से कर सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स को HTML टैग मॉडिफायर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे टैग्स को मॉडिफाई करते हैं। और इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखेंगे लास्ट, HTML टैग और HTML एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है। HTML टैग और एट्रीब्यूट में डिफरेंस ये होता है कि HTML टैग जो होते हैं उनमें स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, और जबकि HTML एलिमेंट हम HTML टैग को तब कहेंगे जब उसमें ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग सारा होगा, तब हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे तब? तब हम उसको कहेंगे HTML एलिमेंट। अगर HTML एलिमेंट में
बीच वाला कंटेंट नहीं होगा और एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे HTML टैग। ओके, इतना समझ आ गया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML में कोडिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काइंडली हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।